मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहला सवाल एमएस बिट्टा साहब, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो... जो कांग्रेस की आजादी की लड़ाई थी, हमने उसको पिछोड़ करके हमने रास्ता बदल दिया। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और घंटी के निशान को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे ऐसे नॉलेजबल और सोशल अवेयरनेस की वीडियो आपके और देश के सामने आती रहे। जय हिंद। मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। करके जी, आपने भी एक घंटा बोला, और लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया, अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आप चिंता मत करिए, वो जो इधर, आप चिंता मत करिए, जो जाना है वो जाएगा, आप क्यों चिंता करते? प्लीज योर कमेंट ना, लेट द पीपल डिसाइड। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सालों तक
सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहला सवाल एमएस बिट्टा साहब, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो 84 के सिख दंगे ना होते। हमने कांग्रेस की जो वो एक विरासत थी, जो कांग्रेस की आजादी की लड़ाई थी, हमने उसको पिछोड़ करके हमने रास्ता बदल दिया। और हमने आज की बात कर रहा हूं, कल की नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं। वो गनैया जैसा वो व्यक्ति स्टूडेंट जेएनयू के अंदर जो नारे लगाता था, भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। और हमारे जैसे वो लोग जिन्होंने शरीरों के शरीर के टुकड़े करा लिए, हमारे जैसे कई लोग, कई हमारे काफले में कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह, कईयों ने शहादत कुर्बानी दी, वो कांग्रेस थी। आज कांग्रेस और वो कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। आज कांग्रेस कुर्सी सत्ता के लिए लड़ी जाती है, वो कांग्रेस प्रथम राष्ट्र के लिए लड़ी जाती थी, जिसमें होता था ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना सीपीआई, प्रथम राष्ट्र नारा होता था। क्या वो आज नारा है? मेरा सवाल है इन सबसे कि आज वो नारा है? 370 नारा की अगर आज बात करें, सवाल ना बीजेपी का करें ना कांग्रेस का करें, प्रथम राष्ट्र की बात करें, 370 धारा हटाई गई। क्या पहले 370 धारा हटाई नहीं जा सकती थी क्या? अगर 370 धारा ना हटाई जाती पहले, ठीक, तो हमारे आज जवानों की शहादत ना होती, आज हमारी बहनों के सुहाग ना उजड़ते, आज हमारे बच्चे यतीम ना होते। क्या 370 धारा हटाने के बाद कितनी शहादतें हुई, कितने हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए, कितनी गोलियां चली, कितनी 26/11 की घटना हुई, कितनी पार्लियामेंट की घटना हुई, दिवाली के दिनों में जगह जगह ब्लास्ट होते थे। ये आज सवाल, ठीक है, आप बिट्टा साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, इस पर गजेंद्र साहब।